इंडिया एडवाइजेस नेशनल्स टू लीव यूक्रेन। तो ये आज का न्यूज है। भारत ने भी बोला है अपने नागरिकों को कि यूक्रेन जो है वो छोड़ दें, वहाँ ट्रेवल ना करें, वहाँ रुके नहीं। आपको पता होगा इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये एडवाइजरी जारी किया था। यहाँ पे आप आर्टिकल देखेंगे, इंडियन एडवाइजेज इट्स सिटीजन्स टू लीव यूक्रेन टेम्प्रोरली। इंडिया ने एडवाइस किया अपने सिटीजन को कि आप यूक्रेन को छोड़ दें। उसके बाद मिंट का आर्टिकल देखेंगे, यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया एडवाइजेज इट्स सिटीजन्स पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स टू रिटर्न फॉर नाउ। मतलब पर्टिकुलरली स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया से जाते हैं। यहाँ पे आप एडवाइजरी देखेंगे जो एम्बेसी ऑफ इंडिया यूक्रेन में कविव में है वो जारी किया है। उन्होंने बोला है कि अभी यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी इंडियंस वहाँ पे हैं वो वापस लौट जाएं, स्पेशली स्टूडेंट्स। और अननेसेसरी काम वहाँ नहीं हो तो एकदम नहीं रुके, और अगर कोई वहाँ रुक रहे हैं तो वो इंडियन एम्बेसी के टच में रहें, उनके कॉन्टेक्ट में रहें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूक्रेन और रसिया में टेंशंस कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। रसिया ने हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट यूक्रेन बॉर्डर पे कर दिया है, अटकलें लगाई जा रही है, यूएस ने भी ये बोला है, यूरोपियन ने भी बोला है, यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज़ ने भी ये बोला, जैसे कि फ्रांस हो गया, सब ने बोला है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रसिया जो है इन्वेड कर देगा आपको यूक्रेन को। अब ये सारी जो आज का न्यूज निकल के आया तो ये कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन साफ हो रहा है। यहाँ पे सारे कंट्रीज जो बोल रहे हैं कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो रसिया है यूक्रेन को इन्वेड कर देगा, हालांकि रसिया जो है वो खुद इससे मतलब डिनाई कर रहा है, टोटली वो डिनाई कर रहा है। अब कोई भी कंट्रीज़ खुद से तो बोलेगा नहीं कि हाँ हम सामने वाले पे अटैक करने वाले हैं, वो सीधे मना कर रहे हैं कि नहीं हम इस पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी देखोगे रशियन फोर्सेज जो 130,000 ट्रूप्स नियर द यूक्रेनियन बॉर्डर, अभी 130,000 ट्रूप्स जो है यूक्रेनियन बॉर्डर पे हैं। अगर कोई कंट्री उस पे इन्वेड करने वाला नहीं है तो अपना रिसोर्स इतना वेस्ट क्यों करेगा। आपको पता होगा फोर्सेज वहाँ पे भेज दिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे फाइटर जेट्स हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए, जो हैवी व्हीकल्स हो गए, आर्टिलरी हो गया, ये सब कुछ बॉर्डर के तरफ भेजा जा रहा है। तो अगर इन्वेड नहीं करना है तो ये सब भेजने से तो कंट्रीज ऑब्जर्व कर रही है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रसिया जो है यूक्रेन पे इन्वेड कर देगा। इस मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी की है। यहाँ पे आप देखेंगे एम्बेसी, मतलब इंडिया वहाँ यूक्रेन में कितने इंडियंस रह रहे हैं, तो अभी तक बताया जाता कि 18,000 इंडियन स्टूडेंट थे, लेकिन 2020 में यूएन में इंडियन जो इन्वॉय उन्होंने बोला कि 20,000 जो इंडियंस है वो यूक्रेन में हैं। और यहाँ तक कि 20,000 में जो मेजॉरिटी है वहाँ पे वो स्टूडेंट हैं जो मेडिकल कॉलेज में वहाँ पढ़ाई करते, वहाँ पढ़ने गए थे। कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कुछ सालों से कि इंडियन स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन में मेडिकल करने बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे जो जो कंट्रीज़, आज तो इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है, एडवाइजरी जारी किया है कि आप वापस आ जाइए। इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये एडवाइजरी जारी की थी। इसमें से आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट हो गया, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, इस्तोनिया, लिथुनिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स भी आता है। हाल ही में अब बिडेन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर सकता है कब, 16 फरवरी को। उन्होंने एक डेट दे दिया। अब देखिए इस डेट में उन्होंने बोला कुछ बड़ा होने वाला है, तो अब लोग सोचने लगे कि हो सकता है बड़ा होने वाला है, मतलब रसिया जो है वो यूक्रेन पे शायद 5-16 को ही अटैक करेगा। इससे पहले आप देखें अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो बार बार ये बता रहे थे कि हमें नहीं पता कि रसिया हम पे इन्वेड करेगा या नहीं करेगा, कब करेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन देखेंगे अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया, उस पर उन्होंने बोला कि 16 फरवरी को जब रसिया हम लोग पे हो सकता है इन्वेड करे तो हम लोग यूनिटी डे मनाएंगे, हम लोग एक सोलिडारिटी दिखाएंगे कि हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, हम लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हैं। अब ऐसा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है। अब जब ये हुआ तो लोगों को लगने लगा कि एक देखिए पहले क्या होता है, एक कंट्री जो है वो अटैक करने वाला है और दूसरा जिस पे अटैक होने वाला है। अगर जिस पे अटैक होने वाला है वो खुद अगर बोल दे कि हम पे 16 फरवरी को अटैक होने वाला है तो फिर सिचुएशंस वहाँ आप देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आगे नहीं पता वो अटैक होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह वहाँ का लीडर अगर बोल रहे हैं ऐसा तो आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने जो जितने भी नागरिक हैं सबको बोला है कि वहाँ जगह खाली कर देने के लिए। इसी के बीच में
इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स को आज ये बोला है कि आप वहाँ पे खाली कर दो। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, इसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला कि 16 फेब को अटैक होने वाला है, इसके बाद इसके फिर एक स्टेटमेंट जारी किया यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि इनफ विथ यूक्रेन वार प्रेडिक्शन। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो 16 फेब को उन्होंने बोला ये मजाक में बोला, मतलब अब ये कौन सा सही है, ये मजाक में बोला ये तो नहीं पता, पर उन्होंने ऐसा सफाई दिया कि ये जो मैंने 16 फेब का बात बोला था वो एक मजाक था। वैसे भी आपको पता होगा ये जो प्रेसिडेंट है पहले वो आपका एक कॉमेडियन शो कर चुके हैं, जैसे एक कॉमेडियन एक्टर रह चुके हैं, तो उनको ये प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इन्होंने बोला कि बस मैं मजाक कर रहा था या ह्यूमरस था। लेकिन दोस्तों यहाँ अलग अलग जो एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज है, यूरोपियन हो गया फिर US हो गया, इन लोगों ने सेटेलाइट इमेज जारी किया है और ये दिखाया जा रहा है कि रसिया ने हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है बॉर्डर पे। तो आने वाला समय में बताया जाएगा कि क्या होगा इस पे, क्या 16 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होने वाला है, इन्वेड करेगा या नहीं करेगा, या बाद से कोई सॉल्यूशन निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।